ऊर्जा। जैसे कि आपको विदित है, गत सरकार के कार्यकाल में विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण एवं वार्षिक घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक इनका ऋण भार 72,722 करोड़ रुपए हो गया था तथा वार्षिक घाटा 15,645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014-15 में इन कंपनियों का घाटा 3,172 करोड़ रुपए कम हुआ तथा इस वर्ष भी लगभग 3,500 करोड़ रुपए का घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कंपनियों का ऋण भार इतना अधिक हो गया है कि ऋण की मूल राशि का एवं उसका लगभग 8,000 करोड़ का रुपए का वार्षिक ब्याज भुगतान अपने तर से करने हेतु डिस्कॉम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। गत सरकार द्वारा आधारभूत संरचना की उपेक्षा की कड़ी में ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की भी उपेक्षा की गई। वित्तीय पुनर्गठन योजना 2012 में को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और विद्युत कंपनियों को घाटे से उबारने के सुनियोजित, संगठित और सार्थक प्रयास नहीं किए गए। इतना ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में दूरगामी सोच के तहत संस्थागत सुधार की दिशा में ठोस सकारात्मक प्रयास का अभाव रहा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने डिस्कॉम के रिवाइवल के लिए उनके कर्ज का भार अपने ऊपर लेते हुए भारत सरकार की उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना उदय के तहत विद्युत वितरण कंपनी के 30 सितंबर 2015 को अवशेष ऋण राशि 80,530 करोड़ रुपए का 75% टेक ओवर करने का निर्णय लिया। इसमें से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का टेक ओवर वर्ष 2015-16 और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टेक ओवर वर्ष 2016-17 में किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 60,000 करोड़ रुपए के ऋण टेक ओवर करने का एक साहसिक फैसला लिया है। यहां मैं ये कहना चाहती हूं कि मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संस्थागत सुधार पर निरंतर ध्यान देने का नतीजा रहा है कि हमारी सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4,283 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जबकि गत सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2,293 मेगावाट की वृद्धि थी। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। 1,273 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। यही नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा 420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भडला जिला जोधपुर में विकसित किए जा रहे सोलर पार्क में लगाई जाएंगी। इस हेतु एनटीपीसी द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सौर ऊर्जा का जो टैरिफ प्राप्त हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम है। राज्य की मांग के अनुसार के अनुरूप प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने के लिए गत दो वर्षों में 765 केवी के दो, 400 केवी का एक, 220 केवी के 17, 132 केवी के 33 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 643 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। आगामी वर्ष में 220 केवी के 6, 132 केवी के 16 और 2014-15 और 15-16 में 40,000 कृषि कनेक्शन दिए जाने का मैंने उल्लेख किया था। आगामी वर्ष में भी 40,000 नवीन कृषि कनेक्शन दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जनजाति उपयोजना एवं शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को ऑन डिमांड कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के लंबित कृषि आवेदकों को मार्च 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रैल 2018 से इन क्षेत्रों में ऑन डिमांड कृषि देने की मैं घोषणा करती हूँ। कृषि कनेक्शन दिए जाने के निर्धारित सीमा के अधीन बूंद बूंद फारा
एवं डिग्गी सिंचाई पद्धति आधारित कृषि कनेक्शनों को उनकी प्राथमिकता के समकक्ष प्रार्थी को सामान्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन जारी होने पर सामान्य योजना में परिवर्तित किया जाता है। कृषकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ कि इन योजनाओं में दिए गए कनेक्शनों को अधिकतम 5 वर्ष पश्चात सामान्य योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। राज्य के अविद्युतीकृत गांवों और ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ 97 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वितरण तंत्र के निकट होने पर भी बिजली कनेक्शन से वंचित आवासों को कनेक्शन देने हेतु वर्ष 2015-16 में प्रत्येक उपखंड पर कैंप आयोजित कर 2,84,000 घरेलू कनेक्शन दिए थे। आगामी वर्ष में भी आमजन की सुविधा के लिए इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 8 लाख ग्रामीण आवासियों को विद्युत करने के लिए मैं घोषणा करती हूँ। राज्य में 40% से अधिक बिजली की खपत कृषि क्षेत्र में होती है। बिजली की बचत के लिए वर्ष 2016-17 में प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी में पायलट बेसिस पर चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को पुराने पंप सेट के बदले नवीन एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से दिए जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर विशेष ध्यान देते हुए नए औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब मैं घोषणा करती हूं कि 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत निरीक्षक के सर्टिफिकेशन के बदले सेल्फ सर्टिफिकेशन को मान्यता प्रदान की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजस्थान राज्य समर्पित है। इसी कड़ी में वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित दर पर इनसे विद्युत क्रय करने की मैं घोषणा करती हूँ। पर्यटन, कला और संस्कृति। प्रदेश को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रोजेक्ट करने हेतु हमने इस वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सोशल मीडिया आदि में एक बृहद स्तर पर अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन जनवरी 2016 से लॉन्च किया है। इसका रिस्पांस पॉजिटिव रहा है। इसी क्रम में आगामी वर्ष में भी व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 62,33,00,000 रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए इस वर्ष के संशोधित प्रावधान के मुकाबले 79% वृद्धि कर आगामी वर्ष में 62,16,00,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई परिवहन की सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्य के हवाई पट्टियों के सुधार और विकास हेतु आगामी वर्ष में 17,88,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आमेर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग एवं परियों के बाग के विकास एवं संधारण के लिए आगामी वर्ष में 22,60,00,000 रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और धौलपुर और बारा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। साथ ही उदयपुर के फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर, संगीत और नृत्य का केंद्र बनाने के लिए आगामी वर्ष में कुल 7 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में प्राचीन दुर्लभ सचित्र हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इस दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर की पहुंच आम जन तक हो सके इस हेतु संग्रहालय में ग्रंथों एवं चित्रों को सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही शोधकर्ताओं को इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध 30,000 पुस्तकों का अध्ययन करने हेतु 1,50,00,000 रुपये की लागत से आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दशाश्वमेध राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बीकानेर के अभिलेखागार में संग्रहित हैं। इन्हें शोधकर्ताओं, पर्यटकों एवं आमजन के लिए प्रदर्शित करने के लिए 10,80,00,000 रुपये की लागत से एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी।
अजमेर स्थित शैक्षणिक फिल्म लाइब्रेरी में अत्यंत दुर्लभ फिल्में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ आज़ादी से पूर्व के मूल प्रिंट भी हैं। लाइब्रेरी में उपलब्ध दुर्लभ और प्राचीन फिल्मों को डिजिटाइज करवाकर हेरिटेज के रूप में विकसित करने तथा उच्च स्तर की लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली में जयपुर घराना अपनी पृथक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। जयपुर कथक केंद्र द्वारा इस शैली के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जयपुर कथक केंद्र परिसर से के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 1,65,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास और प्रोत्साहन करने की दृष्टि से जयपुर के गणगौरी बाजार में राजस्थान संस्कृत अकादमी के भवन को वैदिक हेरिटेज पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में संत रैदास पैनोरामा चित्तौड़गढ़, बाबूजी का पैनोरामा कोलू जोधपुर, नागरीदास पैनोरामा किशनगढ़ अजमेर, कालीबाई पैनोरामा डूंगरपुर, पन्नाधाय पैनोरामा कमेरी राजसमंद, हसन खां मेवाती पैनोरामा अलवर, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बप्पा रावल पैनोरामा मठाठा, उदयपुर महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरामा भीनमाल जालोर, महाराणा राज सिंह पैनोरामा राजसमंद एवं धन्ना भगत पैनोरामा जिला टोंक के कार्य 15 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। देवस्थान प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों खाटू श्याम जी सीकर, डिग्गी मालपुरा टोंक, चौथ माता का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, मातृकुंडिया चित्तौड़, मेहदीपुर बालाजी करौली, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, धाम रामदेवरा लुधरवा जैसलमेर, सालासर हनुमान जी चूरू, पुष्कर एवं बूढ़ा पुष्कर अजमेर, रूप नारायण जी मंदिर, चारभुजा जी मंदिर राजसमंद और मगरा मेरवाड़ा के क्षेत्र का विकास 35 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के जीर्णोद्वार एवं अन्य विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वन और पर्यावरण शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में नगर वन उद्यान योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जॉगिंग ट्रैक्स और साइकिल ट्रैक्स आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वन्य जीव क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में 156,61,00,000 रुपए की लागत से विशेष परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। माध्यम से 138 करोड़ रुपये का व्यय